So this is your final look of realme 10 pro and this phone is looking amazing. And in this time jitne सारे इस phone के अंदर new changes मिले वो amazing है. And I know guys many are not believing but आप लोगों को believe करना होगा क्योंकि now realme is claiming here the new realme 10 pro is coming like everything flagship guys and this is going very amazing. And confirm इस phone के अंदर new design मिलने वाला है जो बहुत amazing है. And in the back you are getting as a new style of camera जो बहुत amazing होने वाला है with the new sensor. And inside you are getting as a new powerful Qualcomm Snapdragon, new silicon chipset and the new display and much more new specs you are getting in this phone जो बहुत amazing होने वाला है. And recent में ये फ़ोन ना चाइना के अंदर launch होने वाला है and confirm है कि ये फ़ोन ना जून के फर्स्ट वीक और जून के मिड में ये फ़ोन ना चाइना के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है. दैन ये फ़ोन जून के एंड तक ये फ़ोन इंडिया के अंदर मिलने वाला है. एंड दिस इज़ द ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम चाइना. एंड बहुत सारी जगह पे ये फ़ोन ऑफिशियली लीक्ड आउट हो चुका है तो कन्फर्म है बहुत जल्दी इंडिया के अंदर भी लॉन्च होने वाला है. तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो एंड अगर आप लोगों को भी जानना है एवरीथिंग तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए. शुरू करते हैं गाइस. अगर आप लोगों को भी एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए वो भी बेस्ट प्राइस पॉइंट पे विद द गुड फ्लैगशिप स्पेक्स तो आप लोगों के लिए रियलमी 10 प्रो बहुत अमेजिंग चॉइस होने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद द कन्फर्म फ्लैगशिप स्पेक्स. इस फ़ोन के अंदर एवरीथिंग फ्लैगशिप मिलने वाला है लाइक द न्यू परफॉर्मेंस. एंड इन दिस टाइम यू आर गेटिंग एज अ न्यू सिलिकॉन चिपसेट फ्रॉम स्नैपड्रैगन और ये चिपसेट परफॉर्मेंस ना बेस्ट ऑफर करने वाला है लाइक यू आर गेटिंग एज अ हाई फ्लैगशिप परफॉर्मेंस. एंड कन्फर्म इस फ़ोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 780g 12 5g SoC मिलने वाली जो एक बेस्ट चिपसेट है गाइस. एंड यू आर गेटिंग एज अ हाई क्लॉक स्पीड ऑल्सो विद द 4 nanometer AI technology. And yes guys you are getting as a new 2.6 GHz and you are getting as a new storage variant like 12 GB and the 256 GB जो top end variant होने वाला है जिसको as a top end variant चाहिए तो लोगों के लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है. एंड दोज हू वांट एज अ हाईएस्ट एंड बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस फ़ोन तो आप लोगों के लिए ना ये फ़ोन बेस्ट होने वाला है. एंड एज अ स्टार्टिंग वेरिएंट इज़ बेस्ट फॉर एवरीवन लाइक 6 GB 128 GB. एंड ये फ़ोन ना एंड्रॉयड की न्यू वर्जन पर रन करने वाला है Android 13. डिस्प्ले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. द डिस्प्ले वॉज न्यू एंड वेरी इम्प्रूव एंड वेरी चेंज क्योंकि इस फ़ोन के अंदर न्यू 120Hz हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाला है विद द सुपर एमोलेड पैनल जो सैमसंग की तरफ से मिलने वाला है जो बहुत इम्प्रूव है. एंड द न्यू 6.7 इंच डिस्प्ले साइज विद द फुल HD+ रेजुलेशन और 2K+ रेजुलेशन. बट इस फ़ोन के अंदर बेस्ट डिस्प्ले मिलने वाला है विद द न्यू इन डिस्प्ले फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड द सिंगल पंच होल फॉर सेल्फी कैमरा लाइक टॉप लेफ्ट कॉर्नर and the two-side curved display. Camera concept के बारे में बात करते हैं. In the back you are getting as a new concept and confirm ये concept ना सभी लोगों को पसंद आने वाला है क्योंकि ना अब भी ये फ़ोन ना बहुत amazing look के साथ आने वाला है. In the back you are getting as a new quad camera concept with the new sensor and confirm है 200 मेगापिक्सल का new camera मिलने वाला है जो actually में 194 मेगापिक्सल का है बट यू एन से 200 मेगापिक्सल. बट इस फ़ोन के अंदर ना अमेजिंग ना डे लाइट इमेजेस एंड 8K वीडियो रिकॉर्डिंग विद 60 FPS का सपोर्ट मिलने वाला है. एंड मेनी फीचर्स आए हैं बट नॉट नाउ कन्फर्म. एंड इस फ़ोन के अंदर बेस्ट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है 44 मेगापिक्सल का. प्राइसिंग भी बहुत अमेजिंग होने वाला है. एंड द इंडिया रिलीज डेट वाज आल्सो वेरी क्लोज. ये फ़ोन ना इंडिया के अंदर न्यू प्राइस पॉइंट पे रन करने वाला है लाइक 22,000 रुपीज़ यू एन से 21,999 क्योंकि ये फ़ोन ना अमेजिंग प्राइस पॉइंट पे आने वाला है एज अ स्टार्टिंग वेरिएंट लाइक 6 GB एंड दी 128 GB जो बहुत अमेजिंग वेरिएंट है. मेरे को बेस्ट लगता है एज अ स्टार्टिंग वेरिएंट क्योंकि और क्या चाहिए इसमें बहुत कुछ होता है इस मतलब एज ए स्टार्टिंग वेरिएंट. एंड अगर आप लोग हाई गेमर हो तो आप लोग ले सकते हो 12 GB 256 GB बट आई लाइक एज ए स्टार्टिंग वेरिएंट बट यू एन से 6 GB 128 GB बेस्ट होता है सबके लिए. एंड लेट मी और थॉट्स इन कमेंट बॉक्स कि आप लोगों के फ़ोन में कितने स्टोरेज वेरिएंट्स हैं. एंड दिस फोन इज़ कमिंग ऑन इंडिया वेरी सून गाइस. कंफर्म है कि बहुत जल्दी ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है. पहले ये फ़ोन चाइना के अंदर लॉन्च होगा दैन ये फ़ोन इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा लाइक जून एंड दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो गाइस. तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो मेक सो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ कर देना. थैंक यू. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. पीस आउट.